हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ये जुन के पास आकर कहता है कि वो ईबो को कॉल करे, जो सुनकर ये जुन स्टंड रह जाता है और कहता है कि ये जान क्या बात कर रहा है। कज़न ईबो तो जानते ही नहीं है कि ये जुन सिडनी में है। वो तो किधर भी जान के लुक को देखकर ये जुन अपनी आधी बात कहते हुए ही चुप हो जाता है और जान का कोल्ड फेस देखकर सोचता है कि क्या जान के सामने वो सिडनी में अपने पहले ही दिन पकड़ा गया। कि तभी जान फिर से कहता है कि ये जुन कॉल मिलाए, जान को ईबो से कुछ बात करनी है। जो सुनकर ये जुन और कुछ नहीं कहता और अपना फोन निकाल कर ईबो का नंबर डायल करके फोन को स्पीकर पर करके टेबल पर जान के सामने रख देता है। जहाँ फोन पर ईबो का नंबर फ्लैश होता देखकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और अगले ही पल ईबो फोन रिसीव करके पूछता है कि क्या बात है। जो सुनकर जान कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। वहीं जान को एब्सेंट माइंडेड देखकर ये जुन जान को थोड़ा सा हिलाता है, जिसकी वजह से जान अपने सेंसेस में वापस आकर जैसे ही कुछ कहने वाला था उसे ईबो की सॉफ्ट आवाज सुनाई देती है। जान जो सुनते ही ये जुन जो जान के पास इतनी देर से चुप बैठा था फौरन एक्साइटेड टोन में कहता है, कजन क्या आप ओमनिसिएंट हो? आपको कैसे पता लग गया कि ये जान है जो आपको कॉल कर रहा है? जो बात पूरी होते ही पूरे रूम में खामोशी छा जाती है और ईबो भी कुछ नहीं कहता। जो देखकर ये जुन सेंसिबली कहता है, आप दोनों बातें करो, मैं रूम में जाकर सोता हूँ। दरअसल जो रूम जान ने ये जुन के लिए बुक किया था वो एक स्मॉल सूट था जिसमें रूम के साथ अटैच्ड लिविंग रूम था। वहीं ईजुन के अपने रूम में जाते ही फिर से ईबो और जान खामोश ही हो जाते हैं, क्योंकि ईबो जान को बात शुरू करने का मौका दे रहा था। तभी अपनी हिम्मत जुटाकर जान अपनी खामोशी तोड़कर पूछता है, आखिर तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो? जिसका ईबो सीधा जवाब नहीं देता बल्कि जान से पूछता है कि क्या जान नहीं जानता कि ईबो क्या करना चाहता है। जिस पर जान इम्पेशेंटली कहता है कि वो नहीं जानता और कभी जान भी नहीं पाया। जो सुनकर ईबो काम टोन में कहता है कि तो फिर जान बस बेबी का ख्याल रखे। जो बात सुनते ही जान तिरछी स्माइल के साथ पूछता है कि फिर उसके बाद क्या? ईबो आकर उसे चुरा कर ले जाना चाहता है। जिस बात पर ईबो थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन से भरे टोन में कहता है कि वो बेबी उन दोनों का है। जो सुनकर जान कहता है कि ईबो एक बात ठीक से समझ जाए कि जान ईबो को अपना बेबी वॉन्ग फैमिली में ले जाने नहीं देगा। जिस बात पर एक पल खामोश रहकर अचानक ईबो अपनी डीप वॉइस में कहता है, जान क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? जो सवाल सुनकर जान स्टंट रह जाता है क्योंकि ऐसा सवाल जान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही ईबो भी शायद जान से इस सवाल के जवाब को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए जान को खामोश पाकर ईबो आगे कहता है, तुम बस अपना ख्याल रखना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा और तुम्हें यानी तुम दोनों को वापस ले आऊंगा। जहां ईबो की आवाज और शब्दों में जान को वही केयर फील हो रही थी जो केयर ईबो जान की पहले किया करता था, और ईबो की टोन से जान को ऐसा फील हो रहा था मानो वो कभी अलग हुए ही नहीं थे। कि तभी जान ईबो की बातों से हैरान ही था कि तब तक ईबो अपना कॉल कट कर देता है और जान ये जुन के फोन के स्क्रीन को देखकर ईबो की बातों को रिकॉल करते हुए सुपर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ईबो ने कहा कि वो सब संभाल कर उन दोनों को वापस ले जाएगा। उन दोनों का क्या मतलब, बेबी और जान? वहीं दूसरी तरफ भी ईबो अपना कॉल कट करके अपने ही फोन को ब्लैंकली देखे जा रहा था कि तभी ईबो का असिस्टेंट उसे कॉफी देने केबिन में एंटर करता है और वो कॉफी को टेबल पर रखकर जैसे ही वापस जाने लगता है पीछे से ईबो अचानक कहता है, मेरे लिए सिडनी की टिकट बुक करो। जो सुनकर ईबो का असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है, सिडनी? कि तभी ईबो अपना मूड चेंज करते हुए कहता है कि रहने ही दो। जो रिस्पांस पाकर ईबो का असिस्टेंट, जो बस पिछले कुछ महीनों से ही ईबो का असिस्टेंट अपॉइंट हुआ था और ईबो को हमेशा ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ ही पाता था, बिना आगे कोई भी सवाल किए केबिन से सीधा बाहर चला जाता है और बाहर आते ही उसे केबिन के अंदर से ईबो के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जो हंसी सुनकर वो असिस्टेंट हैरान रह जाता है
क्योंकि ये इतने महीनों में पहली बार था जब उसने अपने बॉस को हंसते सुना था। वहीं केबिन में यीबो अपने फोन में फोटो एल्बम खोलकर जान की सारी फोटोज को एक एक करके प्यार से देखने लगता है और फिर उनमें से एक फोटो में जान के फेस को जेंटली टच करके कहता है, जान मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। वहीं यीबो के कॉल के बाद मानो जान के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो मानो यीबो की बातों से मोहित हो गया हो, क्योंकि वो बार बार सोचे जा रहा था कि यीबो ने कहा कि वो सब ठीक करके उन दोनों को अपने साथ वापस ले जाएगा। लेकिन सारी बातों को बार बार सोचने के बाद भी जान किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड्स जान को पहले सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे, वो यीबो से बात करने के बाद से छुप नहीं रहे थे, बल्कि जब भी जान और यीजुन बाहर जाने के लिए निकलते थे, एक बॉडीगार्ड पहले ही कार लेकर बाहर खड़ा रहता था और जान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके कार में बैठने को कहता था। वहीं जान और यीजुन जब भी बाहर खाना खाकर फिनिश करते थे, वेटर आकर उनको बताता था कि बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। पहले तो जान ने इन सबको इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे बॉडीगार्ड्स जान और यीजुन के साथ स्टिकी कैंडीज की तरह हर जगह उन्हें फॉलो करते थे, जिसके बारे में जान ने बाद में लेजी होकर सोचना ही छोड़ दिया था और जो वो बॉडीगार्ड्स कर रहे थे उन्हें करने दे रहा था, चाहे वो उन्हें कहीं ले जाना हो या बिल पे करना हो। और इस बारे में जान ने ज्यादा ध्यान तब तक नहीं दिया था जब तक उसने खुद को उस घर में नहीं पाया जिस घर को यीबो ने स्पेशली जान के लिए ही अरेंज्ड करवाया था। और तब जाकर जान को रियलाइज्ड हुआ कि वो दोबारा यीबो के जाल में फंस गया और घर के हॉल में खड़ा होकर जान अपने सॉफ्ट हार्टेड होने से ही अनॉयड फील कर रहा था कि तभी एक सर्वेंट आकर पूछती है कि क्या मिसेस वोंग इस घर से सेटिस्फाइड हैं, जिस पर यीजुन घर के दूसरे कॉर्नर से आते हुए कहता है कि उसे ये घर ठीक लग रहा है, पर जान का क्या ख्याल है, जिस पर जान कहता है कि अगर यीजुन को सही लग रहा है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कहकर जान अपस्टेयर्स अपने रूम में चला जाता है और रूम में एंटर करते ही उसे जीई का कॉल आता है, जिस कॉल को रिसीव करके जान जीई को सारी बातें बता देता है, जो सुनकर जी यीबो को सपोर्ट करते हुए कहती है कि यीबो का ऐसा करना सही है, जान का बेबी इस दुनिया में बस आने ही वाला है, तो ये यीबो की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जान का ख्याल रखे, आखिर वो यीबो का भी बेबी है। जो बात सुनकर जान समझ नहीं पा रहा था कि वो हंसे या रोए, तभी जी पूछती है कि क्या जान यीबो के साथ वापस आने के लिए रेडी है, जिस पर जान कहता है कि वो नहीं जानता, लेकिन जान के जवाब पर जी शार्पली कहती है कि जान कुछ नहीं जानता का मतलब है कि जान हेजिटेटेड फील कर रहा है और जान के हेजिटेशन का मतलब है कि वो यीबो के साथ वापस आना चाहता है, जहां जी के शार्प वर्ड्स जान को अचानक समझा देते हैं कि जान का मन यीबो के साथ वापस जाने में है और वो यीबो के पास वापस जाना चाहता है, जिसके बाद जान सिडनी में वही लाइफ जीने लगता है जैसा वो बीजिंग में यीबो के साथ जीता था। बॉडीगार्ड्स हर वक्त जान के घर को गार्ड करते थे, सर्वेंट जान का पूरा ख्याल रखती थी, पर कोई भी जान की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था और ऐसा ही टाइम जुलाई तक पीसफुली बीता, जब तक एक दिन मॉर्निंग से ही वेदर थोड़ा खराब था और जान इरिटेटेड और अनइजी फील कर रहा था, जो अनकंफर्ट जान की फील करके यीजुन जान को सोफे पर बैठने को कहते हुए पूछता है कि क्या जान ठीक फील नहीं कर रहा, जिस पर जान इरिटेट होते हुए ना में अपना सिर हिलाकर नहीं कहता है, जो रिएक्शन पाकर यीजुन जान को पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहता है, शायद उसे अच्छा लगे, जो सुनकर जान जैसे ही यीजुन का फोन गेम खेलने के लिए लेता है, अचानक एक जोर के थंडर क्लैप के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जहां विंडो से बाहर बारिश देखकर जान बड़बड़ाता है कि फाइनली बारिश होने लगी, जिस बारिश को देखकर यीजुन विंडो पर आकर बाहर देखते हुए जान से पूछता है कि बहुत हैवी रेन हो रही है, जान को क्या लगता है ये बारिश कब रुकेगी, जिस सवाल पर जान का जवाब ना पाकर यीजुन जैसे ही पलटता है जान को देखकर शॉक रह जाता है, जो सोफे पर ऑलरेडी पेन में अपनी टमी को पकड़े सुकुड़ कर लेटा हुआ था, जिसे ऐसा देखकर यीजुन घबरा कर पूछता है कि जान को क्या हो गया है, जिस पर पेन में करहाते हुए जान कहता है कि उन्हें अभी हॉस्पिटल जाना होगा,
बेबी आने वाला है, जो सुनकर यी जुन शॉक्ड रह जाता है और नेक्स्ट मोमेंट सिचुएशन को समझकर जोर से चीखता है कि कोई फौरन हेल्प करने के लिए आए, जान का बेबी आने वाला है। जो सुनकर बॉडीगार्ड्स और एक डॉक्टर, जिसे रिसेंटली यीबो ने 24/7 जान के लिए घर पर ही अपॉइंट किया था, भागकर घर के अंदर आकर जान को हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, जिस हॉस्पिटल को उन्होंने पहले ही जान की डिलीवरी के लिए चुन लिया था। वही कार में पेन की वजह से जान ने यीजुन का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था कि तभी जान अपनी कांपती आवाज में यीजुन से अपना फोन मांगता है, जहां जान का फोन मांगने के पीछे का मतलब समझते हुए यीजुन फौरन यीबो का नंबर डायल करता है, पर यीबो कॉल आंसर नहीं करता, जिसकी वजह से परेशान होकर यीजुन जान की तरफ देखता है, जिसके बाद यीजुन कई बार यीबो का नंबर डायल करता है पर यीबो कॉल नहीं उठाता, जो पाकर यीजुन हेल्पलेसली जान से कहता है कि कजन जरूर किसी जरूरी काम में फंसे होंगे तो कॉल आंसर नहीं कर रहे, यीजुन बाद में दोबारा कॉल करेगा, जिस पर जान पेनफुल टोन में सिर्फ ओके कहता है। वहीं हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ ऑलरेडी बाहर जान के पहुंचने का वेट कर रहे थे, जहां हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर लेटकर जान अपनी होपफुल आई से यीजुन की तरफ देखता है, जिन आंखों को देखकर यीजुन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जान के लुक का मतलब था कि क्या यीबो ने कॉल आंसर किया, और यीजुन लाइफ में पहली बार चाह रहा था कि यीबो उसका कॉल फौरन आंसर करे, पर कई कॉल ट्राई करने पर भी यीबो ने कॉल आंसर नहीं किया था कि तभी जान की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर की टीम फौरन जान को ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस बेबी को हाथ में लेकर डॉक्टर स्माइल के साथ जान से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी बेबी गर्ल हुई है। फिर वो डॉक्टर जान को बेबी का फेस दिखाती है, जहां बेबी का फेस देखते ही जान स्माइल करता है और अगले ही पल बेहोश हो जाता है। फिर जब जान को होश आता है, तब तक ऑलरेडी रात हो चुकी थी और पूरा कमरा रोशनी से चमक रहा था, जो सब देखकर जान पल भर के लिए कंफ्यूज्ड होता है, फिर खुद को पूरा कवर करता है। वहीं जान की मूवमेंट देखकर यीजुन, जो वहीं पास में बैठा था, फौरन जान के पास आकर पूछता है कि जान कैसा फील कर रहा है, पर जान खामोश रहकर बस यीजुन को देखता है, जो लुक देखकर यीजुन लो टोन में कहता है कि कजन यीबो ने अभी तक कॉल आंसर नहीं किया, जो रिस्पॉन्स पाकर जान की आईज डार्क हो जाती है कि तभी एक मेड रूम में एंटर करते हुए पूछती है कि क्या मिसेस वोंग पानी पीना चाहते हैं, जिसके बाद एक सिप पानी का पीकर जान कमरे में बेबी को ना पाकर पूछता है कि उसका बेबी कहाँ है, तो मेड बताती है कि बेबी बहुत रो रही थी, इसलिए मेड उसे बाहर ले गई थी, जो सुनकर जान अपने बोहे सिकोड़े कहता है कि उसका बेबी वो मेड फौरन वापस लेकर आए, जिस पर ओके कहकर वो मेड बाहर से बेबी लेकर पल भर में वापस आ जाती है, जिसे बेड के सहारे बैठकर अपने हाथों में लेकर जान बेबी की तरफ देखता है, जो आराम से इस वक्त सो रही थी, जिसे ध्यान से देखकर जान को फील होता है कि ये बेबी दिखने में उस बेबी से अलग थी जिसे जान ने बर्थ देने के नेक्स्ट पल ऑपरेशन रूम में देखा था, जिसे और ध्यान से देखने के बाद जान को क्लियरली फील होता है कि ये बेबी दिखने में ना ही तो जान जैसी थी और ना ही यीबो जैसी, जो फील करके जान उस बेबी को आराम से बेड पर लिटाकर कहता है, ये मेरा बेबी नहीं है, जो सुनकर यीजुन बेबी को देखते हुए पूछता है कि जान ये क्या कह रहा है और क्या सारे न्यूबॉर्न बेबीज एक जैसे नहीं दिखते, कि ठीक तभी जान और यीजुन को बाहर से थोड़ा शोर आता सुनाई देता है, जहां कुछ लोग चीख कर कह रहे थे कि उनका बेबी कौन ले गया, वो हॉस्पिटल को सू कर देंगे, तो शोर सुनकर जान मेड से कहता है कि वो बाहर जाकर देखे कि क्या हो रहा है, तभी वो मेड वापस आकर बताती है कि एक लेडी अपने खोए बेबी को ढूंढ रही है, जो बात सुनते ही जान का दिल भारी हो जाता है और वो बेबी के हाथ में लगे नेम टैग को देखकर कांपती आवाज में कहता है कि वो उस लेडी को अंदर बुलाए, जिस पर वो लेडी अंदर आते ही बेबी को बेड पर देखकर खुशी के आंसू के साथ कहती है कि ये उसी का बेबी है और इस बेबी गर्ल के पैर के नीचे एक ब्लैक बर्थ मार्क भी है, जो बात कहते ही वो लेडी बेबी का पैर उठाकर जान को दिखाती है, जहां जान को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही जान चुका था कि ये उसका बेबी नहीं था, और जैसे ही वो लेडी अपनी बेबी गर्ल को ले जाती है, यीजुन पूछता है कि क्या कहीं जान से कोई गलती तो नहीं हुई,
और जान जिसने बेबी को सिर्फ एक बार ही देखा था आसानी से बता सकता था कि वो उसकी बेबी गर्ल नहीं थी। तभी जान ये जून से पूछता है कि वो ईबो को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, जिस पर ये जून हाँ कहता है कि ईबो कॉल आंसर नहीं कर रहा। जो रिस्पॉन्स पाकर जान अचानक हंसने लगता है और धीरे धीरे उसका हंसना लाउडर होता जा रहा था। फिर अचानक जान हंसते हंसते जोर से रोने लगता है और सोचता है कि क्या उसने सच में ईबो पर ट्रस्ट कर लिया था। वो तो हर पल ईबो के आदमियों से घिरा हुआ था और अब उसका बेबी गायब हो चुका था। वहीं कोई भी ईबो से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। जो सारी बातें सोचते हुए जान को फील होता है कि ईबो के अलावा कोई और उसके बेबी को चुरा कर ले जा ही नहीं सकता। वही जान को बुरी तरह से रोता देख कर यीजुन समझ नहीं पा रहा था कि वो जान को कम्फर्ट कैसे पहुंचाए। तो वो बस इतना ही कह पाता है कि जान रोए नहीं प्लीज। जो सुनकर मेड भी जान को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, मिसिस वॉन्ग आपको जस्ट अभी बेबी हुआ है तो इतना रोना आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जहां मिसिस वॉन्ग नाम अपने लिए सुनते ही जान अपने कानों को कवर करके चीख पड़ता है कि कोई उसे मिसिस वॉन्ग कहकर ना बुलाए। उसे डिस्गस्ट फील होता है कि ठीक तभी तेज हवा के झोंके की तरह रूम का दरवाजा ओपन होता है और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है। और इस इंसान की नजरों से जान की नजरें मिलने के बाद भी वो दोनों ही खामोश रहते हैं। तभी ईबो को वहां देखकर यीजुन हैप्पीली कहता है, कजन ईबो। फिर एक पॉज लेकर यीजुन आगे कहता है कि वो हैरान हो रहा था कि ईबो फोन आंसर क्यों नहीं कर रहा था। तो रीजन ये है कि कजन ईबो जान के पास ही आ रहे थे। जो बात कहते हुए यीजुन ईबो के करीब आ जाता है पर ईबो यीजुन को इग्नोर करके जान के बेड के पास आकर जान की आंसुओं से भरी आंखें, बिखरे बाल और बेहाल हालत देखकर जान के पास बैठकर जैसे ही जान के फेस को टच करने की कोशिश करता है, जान ईबो के हाथ पर मारकर उसका हाथ दूर करते हुए कहता है, यू विकेड मैन, मैं अब कभी तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करूंगा। जो बात सुनते ही ईबो के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और वो जान से डीप वॉइस में पूछता है कि जान की बात का क्या मतलब है। वहीं जान ईबो की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था तो वो ईबो के कपड़ों को पकड़ कर कहता है, तुम अभी भी इस तरह मेरे सामने नाटक कर रहे हो, कहाँ है मेरा बेबी, मुझे मेरा बेबी वापस दो। जो बात सुनते ही ईबो के एक्सप्रेशंस फिर से चेंज हो जाते हैं और वो यीजुन को देखकर पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। जिस पर यीजुन एक नजर जान की तरफ देखकर ईबो को सारी बात बता देता है। जहाँ यीजुन की बात पूरी होते ही ईबो जोर से बोविन का नाम लेता है। वहीं बोविन जिसने ईबो के पीछे ही रूम में एंटर किया था और सारी बात सुन चुका था, फौरन समझ गया था कि ईबो का उसे इस तरह पुकारने का क्या मतलब था, कि ईबो बोविन से सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता था। जो बात समझकर बोविन फौरन यस कहकर रूम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद ईबो जैसे ही वापस जान की तरफ देखता है तो जान की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड रह जाता है। लेकिन जान के बिहेव को इग्नोर करके ईबो जान के मैसी हेयर को ठीक करते हुए कहता है कि वो बेबी को वापस ले आएगा पर अभी जान को रेस्ट करना चाहिए। कि तभी एक जोर का थप्पड़ ईबो के फेस पर पड़ता है जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है और जान गुस्से में ईबो को थप्पड़ मारकर आगे कहता है कि अगर अभी ईबो ये बात एडमिट कर लेगा कि बेबी को वही जान से दूर ले गया है तो जान भी एडमिट कर लेगा कि ईबो सच में एक रियल मैन है। जहां जान के एक्शन और बात को सुनकर वहां खड़े यीजुन और मेड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वहीं ईबो को जान ने अपने शरीर में बची पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से ईबो का फेस साइड में टिल्ट हो जाता है और जान की उंगलियों के निशान ईबो के गाल पर छप गए थे। जिस पर ईबो बिना किसी की तरफ देखे पहले यीजुन और मेड को रूम से बाहर जाने को कहता है। जो सुनकर दोनों फौरन ही रूम से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ जान और ईबो ही वहां रह जाते हैं। वहीं ईबो और जान ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज्यादा टाइम के बाद एक दूसरे को देख रहे थे पर ईबो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो दोबारा मिलेंगे तो जान ईबो को दुश्मन की तरह देखेगा। तभी ईबो जान की तरफ देखता है जो दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। जिसे ऐसे देखकर ईबो बहुत जेंटल टोन में कहता है कि पहले जान को ठीक से रेस्ट करना चाहिए और जान जब थोड़ा बेटर हो जाएगा
तब यीबो और वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं जान अपने बेबी के गायब होने के बाद से रेस्ट करना नहीं चाहता था और यीबो के काम बिहेव को देखकर उसे और ज्यादा यकीन होता जा रहा था कि उसका बेबी यीबो ही ले गया है, क्योंकि जान का सिडनी में कोई दुश्मन नहीं था और जो लोग उसके आसपास थे वो सब यीबो के ही लोग थे। तो यीबो के अलावा उसके न्यूबॉर्न बेबी को कौन ले जाने की हिम्मत कर सकता था। जो सब सोचकर और यीबो का काम रिएक्शन देखकर जान पूरी तरह से टूट रहा था। तो जान प्लीडिंग टोन में रोते हुए यीबो से कहता है, यीबो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, वो अभी इस दुनिया में आई है, वो बहुत छोटी है। जहाँ जान को इस तरह यीबो ने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इतने सालों शियाओ फैमिली ने जान को परेशान किया था, यहाँ तक कि जान की शादी के बाद भी उसे बुली करते रहे, पर यीबो ने इस तरह जान को रोते पहले कभी नहीं देखा था। जो देखकर यीबो पैनिक होने लगता है और फौरन जान को कहता है कि जान शांत हो जाए और बस एक बार यीबो को सुन ले। लेकिन जान पागलों की तरह ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, उसे पहले अपनी बेबी गर्ल चाहिए। जो कहते हुए जान के आंसू बहना एक पल के लिए नहीं रुकते। जहां जान की बुरी हालत को देखकर यीबो के गले से एक आवाज नहीं निकल पाती, मानो एक फिश बोन यीबो के गले में अटक गई हो। क्योंकि सच तो ये था कि यीबो ने बेबी को जान से दूर नहीं किया था, पर फिर भी कोई तो था जो उसे ले गया था। कि तभी जान को रोने से रोकने के लिए यीबो किसी तरह डॉक्टर को कहकर जान को बेहोशी का इंजेक्शन दिलवाता है ताकि जान सो पाए। और जान के सोते ही यीबो जान के पास दोबारा बैठकर उसके आंखों के कॉर्नर से गिर रहे आंसू को पोंछकर जान के बालों को ठीक करके जान के फोरहेड पर किस करता है। दरअसल जान की ड्यू डेट एक हफ्ते बाद की थी, तो यीबो अपना सारा काम कंप्लीट करके जान को अकंपनी देने आ रहा था। पर यीबो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान की डिलीवरी एक हफ्ता पहले ही हो जाएगी। यीबो जान के स्लीपी फेस को देखते हुए अपनी सोच में ही था कि तभी बोविन रूम में आकर बिना यीबो के कुछ पूछे ही बताना शुरू करता है कि उसने पैर में बर्थमार्क वाली बच्ची को चेक किया है और वो यकीनन मिस्टर वॉन्ग की बेबी नहीं है। और बोविन ने पूरे हॉस्पिटल में बाकी न्यूबॉर्न बेबीज को भी चेक किया, पर उसे मिस्टर एंड मिसेज वॉन्ग की बेबी कहीं नहीं मिली। जो रिजल्ट सुनकर यीबो अपनी मुट्ठी कस लेता है और पूछता है कि बोविन को और क्या पता लगा। जिस पर बोविन यीबो को देखकर कहता है कि उसने सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया है, पर उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। तो बोविन को लगता है कि जिस किसी ने भी मिस्टर वॉन्ग की बेबी को चुराया है वो सीधे ऑपरेटिंग रूम से ही बेबी को अपने साथ ले गया, यानी वो इंसान शुरू से ही मिसेस वॉन्ग पर अपनी नजर रख रहा था। जहां बोविन की बात सुनकर यीबो सोचता है कि बेशक उस इंसान ने बच्चों की अदला बदली करके यीबो की बेबी को अपने साथ ले गया, लेकिन उसने बेबीज की स्वॉपिंग सेम हॉस्पिटल के दूसरे बेबी से की, यानी वो इंसान चाहता था कि यीबो और जान को पता चले कि उनका बेबी चोरी हो चुका है। जो रियलाइज करते ही यीबो वहीं सोफे पर मोशनलेस होकर बैठ जाता है, जिसे ऐसे देखकर बोविन को लग रहा था कि यीबो किसी भी पल एक्सप्लोड होने वाला है। लेकिन यीबो अचानक सोफे से उठकर रूम से बाहर आकर अपना गुस्सा दीवार पर लगातार पंचेस मारते हुए निकालने लगता है। वही यीबो के हाथ से खून निकलता देखकर बोविन यीबो को रोकने की कोशिश करता है, पर फ्यूरियस यीबो को रोकना बोविन के बस की बात नहीं थी और वो सोचता है कि उसे लगा था कि इतने महीनों बाद यीबो और जान फिर साथ में होंगे, पर बोविन ने सिचुएशन के और वर्स्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। वहीं जान अपने बेबी को दोबारा देख ही नहीं पाया था, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी। माना पहले दिन जान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, पर इस वक्त वो बहुत काम था। वहीं कार में बैठते ही थोड़ी देर बाद साइलेंस को तोड़ते हुए यीबो जान से कहता है कि जैसे ही जान दोबारा ट्रैवल करने वाली हालत में होगा वो दोनों बीजिंग वापस जाएंगे। जो सुनकर जान लेजीली कार में अपने सिर को सीट पर रेस्ट करवाते हुए बिना यीबो की तरफ देखे पूछता है कि क्या यही यीबो का गोल था? क्या जान को वापस बीजिंग जाने पर फोर्स करने के लिए यीबो बेबी को जान से दूर ले गया? जिस पर यीबो कुछ नहीं कहता, तो जान यीबो की तरफ देखता है जो अपना गुस्सा दबाए बैठा था, जिसे ऐसे देखकर जान स्माइल के साथ कहता है कि यीबो को गुस्सा आ रहा है,
कि जान को यीबो का इरादा समझ आ गया। जिस बात पर कुछ सोचकर यीबो थोड़ा वक्त लेकर कहता है कि अगर जान यीबो के साथ बीजिंग वापस नहीं गया तो वो शायद अपनी पूरी लाइफ में दोबारा अपने बेबी को देख नहीं पाएगा। दरअसल यीबो साफ देख पा रहा था कि जान के लिए बेबी यीबो से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जान वापस यीबो के साथ बीजिंग आने को तैयार था तो यीबो ने इस गलतफहमी को दूर ना करने का ही सोचा, क्योंकि अगर जान को पता चलता कि यीबो ने बेबी नहीं चुराया है तो यकीनन जान सिडनी नहीं छोड़ता। वहीं यीबो बेबी को अभी तक ढूंढ नहीं पाया था, पर वो जान को तो अपने साथ ले ही जा सकता था। और ये सब सोचकर यीबो को रिग्रेट हो रहा था कि उसने जान को अकेला क्यों छोड़ा, वो उसके पास पहले क्यों नहीं आया। तभी यीबो की बात पर जान गुस्से से कांपते हुए कहता है कि क्या यीबो इस बात को एडमिट कर रहा है कि बेबी उसी के पास है। जिस पर हाँ कहकर यीबो जान की तरफ देखकर आगे कहता है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय मेरे साथ बीजिंग वापस चलने के, वरना तुम अपना बेबी दोबारा इस जन्म में देख नहीं पाओगे। जो बात सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है और गुस्से में यीबो को विकेट मैन कहता है। जो रिएक्शन जान से पाकर यीबो कहता है कि अब जान के लिए बेहतर यही होगा कि वो यीबो की हर बात माने। जो कहकर यीबो जान के फेस को टच करने की कोशिश करता है, पर जान अपना फेस साइड में करके यीबो के टच को अवॉइड करता है। वहीं बेबी को लेकर जान को धमकी देना यीबो के लिए सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि अगले एक महीने तक जान ना ही तो रोया और ना ही कोई ट्रबल क्रिएट किया, बल्कि उसने अपना पूरा ख्याल रखा। पर इस बीच जान ने यीबो से बिल्कुल भी बात नहीं की। हालांकि जान के कोल्ड बिहेव से यीबो को गुस्सा आता था, पर यीबो अपना टेंपर जान पर कभी लूज नहीं करता था। जिस पेशेंस को देखकर जान भी अपने मन में यीबो को एडमायर करता था। तभी एक सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए यीबो जान से कहता है कि कल रात वो बीजिंग वापस जा रहे हैं। जो सुनकर जान, जिसने एक महीने से यीबो के साथ बात नहीं की थी, अचानक पूछता है कि क्या वापस जाकर वो अपने बेबी को देख सकता है। जिस पर यीबो हाँ या ना में जवाब ना देकर कहता है कि जान अभी तक वापस लौटा भी नहीं और यीबो से बार्गेन कर रहा है। जो सुनकर जान गुस्से में चिल्लाकर यीबो को वॉन्ग यीबो कहता है, लेकिन यीबो काम एक्सप्रेशंस के साथ अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए आगे कहता है कि इस वक्त जान की कंडीशन यीबो के साथ नेगोशिएट करने वाली नहीं है। जो बात सुनकर जान अपना गुस्सा दबा जाता है और कुछ नहीं कहता। वहीं नेक्स्ट नाइट जब जान और यीबो बीजिंग लैंड करते हैं तो उन्हें मिलने चेंग और जी आते हैं, जो एयरपोर्ट पर जान को देखते ही उसे गले लगा लेती है, फिर अपना हग ब्रेक करके जान के उदास चेहरे को देखकर अजीब फील करती है, क्योंकि एक न्यू पेरेंट बनने वाली खुशी जान के फेस पर दिख नहीं रही थी। तभी जान के पास बेबी ना पाकर जी पूछती है कि क्या हुआ है, बेबी कहाँ है। जिस सवाल का वहाँ कोई जवाब नहीं देता, या ये कह लो जवाब था ही नहीं किसी के पास देने के लिए। तभी यीबो जो जान के साथ खड़ा था, जान का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगता है, जहां जान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता, और यीबो सीधा लाकर जान को कार में बिठा देता है। वही कार में बैठते ही जान यीबो को प्रोवोक करते हुए पूछता है कि यीबो ने जी को क्यों नहीं बताया कि उसी ने जान का बेबी चुरा लिया है, या फिर अब यीबो गिल्टी फील कर रहा है। जिन बातों का यीबो कोई जवाब नहीं देता, मानो उसने जान की बात सुनी ही ना हो। जिसके बाद जान बहुत कुछ कहता है, पर यीबो एक पर भी रिएक्ट नहीं करता, तो जान भी थक कर चुप हो जाता है। जिसके बाद यीबो की कार बीजिंग के पॉश एरिया में एंटर करती है, जहां सिर्फ रिच और पावरफुल लोग रहते थे। वही जान सिर्फ अपने बेबी गर्ल को देखने के लिए तड़प रहा था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यीबो उसे कहां ले जा रहा था। जिसके बाद यीबो जान को अपने न्यू अपार्टमेंट में ले आता है, जिस घर में टीवी, काउच, कॉफी टेबल के अलावा ज्यादा फर्नीचर नहीं थे। वही घर में एंटर करके यीबो जान को सोफे पर बैठाकर उसे पीने के लिए पानी देता है। जो पानी का गिलास यीबो से लेते हुए जान पूछता है कि यीबो जान को बेबी से कब मिलवाएगा। जिस सवाल पर बहुत देर तक जान को देखते रहने के बाद यीबो अचानक पूछता है कि अगर यीबो जान को पूरी लाइफ बेबी से मिलने नहीं देगा, तो क्या जान हमेशा यीबो से इसी तरह बात करेगा।
जिस पर बिना हेजिटेशन के जान हाँ कहता है। जिस जवाब को सुनकर यीबो का चेहरा उतर जाता है कि जान के लिए बेबी यीबो से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सोचकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जान अपनी पूरी लाइफ अपनी बेटी को देख नहीं पाएगा। जो बात सुनते ही जान पैनिक होकर कहता है कि यीबो ऐसा उसके साथ ना करे, और क्या अब वो आराम से बात कर सकते हैं? जो कहकर जान की आवाज भारी हो जाती है और वो बुरी तरह से घबरा कर आगे कहता है, मैं वापस आ चुका हूँ और अब कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी बहुत छोटी है और वो सिर्फ 1 महीने की है, और उसे तो मेरे पास पड़ा होना चाहिए ना। प्लीज मुझे उसे एक बार देखने दो, मुझे उसका ख्याल रखने दो यीबो, प्लीज, ठीक है ना? जो पूरी बात जान रोते हुए बहुत मुश्किल से कह पाता है, क्योंकि जान अपनी 1 month old बेबी गर्ल के बारे में सोच सोच कर दुखी हुए जा रहा था कि वो जिसके भी पास है, क्या वो उसका ख्याल एक पेरेंट की तरह रखते होंगे या उसके रोने पर उसको वो लोग निगलेक्ट करते होंगे। जो सब सोच कर जान अपनी बेटी को लेकर बहुत वीक फील कर रहा था, और यीबो को खामोश देखकर यीबो का हाथ पकड़कर रोते हुए प्लीडिंग टोन में प्लीज प्लीज कहने लगता है। जहां जान की हालत देखकर यीबो का दिल टूट रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। साथ ही यीबो गिल्टी भी फील कर रहा था कि जान को वापस लाने के लिए उसने इतना गंदा ट्रिक यूज किया। इसलिए यीबो जान से नजरें ना मिलाते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आई नो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, पर अब इसी बेबी की वजह से सब एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि यीबो जो अब तक चुप बैठा था अब बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि अगर इस वीडियो FF के एक्सप्लेनेशन को आपने दिल से फील किया हो, तो आप इस वीडियो पर अपने लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो एक्सप्लेन करने में इमोशंस यूज किए हैं वो आप सब तक पहुंचे भी हैं। और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।